हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पतंग गुप्ता व्लॉग्स। आप तक कैसे हैं? बहुत अच्छा नाइब आपसे, बहुत अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। टाइम हो चुका है, सीधा दोपहर के 2 बज चुके हैं और आज मैं अपनी कटिंग भी करा के आ चुका हूँ। जब कटिंग कराने के ना उससे पहले वीडियो नहीं बना पाए, तब इसके बाद कटिंग के क्लिप्स मैं डाल दूंगा। तो कटिंग करा के आया हूँ, पहले काफी बड़े थे, काफी छोटे हो गए हैं। और आज डे है मंडे और आज है नवमी, डे 9th ऑफ नवरात्र। और आज नवरात्र खत्म होंगे, कल दशहरा दशमी है। और ऊपर से जो हमारी जयपुर वाली भाभी है, जो देव भैया की वाइफ है ना, वो प्रेग्नेंट थी। तो आज नहीं, कल ना, कल बेबी हो गया। जो ये बेबी है, कल पहले इतनी कंफ्यूजन चल रही थी, कभी कोई कह रहा था बेबी बॉय हुआ है, कभी कोई कह रहा है बेबी गर्ल हुई है। तो अब फाइनली ये हुआ है कि बेबी गर्ल ही हुई है। कोई कह रहा है ग्रुप पे, सब ग्रुप पे चैटिंग कर रहे हैं, कोई कह रहा है बच्चा एक्सचेंज कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ग्रुप पे चैटिंग चल रही है सबकी। तो अब ये पता लगा है कि बेबी गर्ल हुई है। रात को बाबा पे फोन आया था, पता नहीं किसी का, उन्होंने कहा, बाबा ने हमें बताया कि बेबी बॉय हुआ है। बाबा पे फोन आया हो तो उन्होंने हमें मुझे बताया कि बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने आके बताया, सुबह जब बाबा बात कर रहे ममता बुआ से, तब पता लगा कि बेबी गर्ल हुई है। तो फाइनली अब मैं बन चुका हूँ चाचा, अब मैं चाचा बन चुका हूँ। और बाकी टाइम मुझे दोपहर के 2, कल दशहरा, बेबी बॉर्न हुआ है। तो हमारे यहाँ पे दशहरा की जो पूजा होती है, वो पूजा नहीं होगी जब तक हवन नहीं जाता, तब तक दशहरा की पूजा नहीं होगी। और बाकी टीके वगैरह सब होंगे, जो यहाँ पे घास लगाते हैं ना कानों पे और तिलक वगैरह होता है, वो सब तो होगा। तो कल बुआ वगैरह सब हमारे घर पे आएंगी। हमारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल के नए कवर आए थे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। पहले हमारे थे, इसके नीचे ही हैं वो, पहले थे ये वाले, ये वाइट कलर के, सुबह ग्रीन कलर के फूल थे, अब आए हैं ये पिंक और ब्लू कलर के, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सबके यहाँ। ये कटिंग कर दो, फाइनली अभी मैंने कटिंग तो करा लिया, और उसको ज़्यादा छोटे से करवा लिए बार पर। चलो कोई नहीं, काफ़ी दिक्कत है जब बैडमिंटन में खेलते हैं ना, बार बार बाल मुंह पे आते हैं, दिक्कत होती है। तो चलते हैं सीधा अब घर। और ऊपर से फ्रेंड्स, आज शाम को हमारा जाने का प्लान है, क्योंकि आज मंडे है तो मेरी अकेडमी की छुट्टी है। तो मैंने पापा से कहा कि वैसे तो पूरा हफ्ता मैं इतना बिजी रहता हूँ, आज छुट्टी है मेरी अकेडमी की, ना ट्यूशन कुछ भी नहीं, और ना मैं आज कहीं कुछ है भी नहीं, ना पापा से कुछ, पापा को नहीं आना, किसी को नहीं आना। तो आज हम जाने वाले हैं ध्यानचंद स्टेडियम में, कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, पापा कह रहे थे कोई मेला लगा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी और फॉरेन कंट्रीज और अलग अलग कंट्रीज का सामान आएगा, वो देखने के लिए जाएंगे हम ट्रेड में। तो ध्यानचंद स्टेडियम में लग रहा है, पापा कह रहे इंडिया गेट के पास से, तो हम शाम को जाएंगे। और बाकी टाइम हो जाएगा अभी दोपहर के 2, 1 घंटे पापा आ जाएंगे, फिर 4-4:30 बजे वहाँ पे चलेंगे। तो अभी तो थोड़ी देर है, फिर मिलते हैं तभी थोड़ी देर बाद। फ्रेंड यहाँ पे कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत अपना स्कूल का काम, थोड़ा बहुत स्कूल का काम मेरा पेंडिंग था तो वो करना था, तो फटाफट से खत्म कर लेते अपना स्कूल का काम। और टाइम हो चुका है अभी दोपहर के 2:15। सो फ्रेंड्स, फाइनली भी हम सबके साथ बिल्कुल हो चुके हैं रेडी जाने के लिए वहाँ ध्यानचंद स्टेडियम में, जो मेरा है ना यहाँ पे, मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। ऊपर मैंने पहनी ग्रीन कलर की शर्ट एंड ब्लैक टी शर्ट, नीचे जॉगर और उसके नीचे ग्रीन कलर के शूज। तो अभी हम बिल्कुल हो चुके हैं रेडी जाने के लिए मेले में, और टाइम हो चुका है अभी शाम के 5 बज चुके हैं। फटाफट से चलते हैं ध्यानचंद स्टेडियम, जो CP के इंडिया गेट के पास लगा हुआ है। अभी सब रेडी हो रहे हैं, फटाफट से चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम घर से तो निकल चुके हैं, इसमें दिखा रहा है 25 मिनट का रास्ता, 15 किलोमीटर, 5:50 तक हम वहाँ पे पहुँच जाए। बाकी मम्मी रास्ते में फ्रूट्स लेके आ गई थी, यहाँ पे काट रही है मम्मी।
फ्रेंड्स अभी हम पुल पे चढ़ चुके हैं, यहाँ से टाइम बचा सिर्फ 10 मिनट बचा है, 7 किलोमीटर। लेफ्ट 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 दिखा रहा है, राइट दिखा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट नहीं राइट, क्या चल रहा है उसमें, लेफ्ट दिखा रहा है ऊपर राइट, राइट ही था। 10 मिनट का रास्ता भी लेफ्ट वही जगह, ये भी वही जगह, एक ही जगह जाएंगे। अच्छा फ्रेंड पता नहीं है मैप कहाँ लेके जा रहा है, पापा कहीं और का रास्ता बता रहा है, मैप कहीं और का बता रहा है, और बुआ का फोन आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं इसी टनल के अंदर, काफी अच्छी टनल है ये। ये कहाँ जाके छोड़ती है सीधा? इंडिया गेट। अच्छा इंडिया गेट छोड़ेगी सीधा, ये 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है बस। दो मिनट का रास्ता रह गया बस, कहाँ है? यहीं से गए ना? नहीं यहाँ से नहीं गए, यहाँ सीधा जाना है। फिर यहाँ पे तो हमें पार्किंग का ही समझ नहीं आ रहा, पार्किंग कहाँ से होगी, गेट नंबर 1 पे भी नहीं गया। ये रही अब आ गया, वे टू कार पार्किंग किधर है, बोर्ड लगा रखा है लेफ्ट आगे से होगी। कार पार्किंग फ्रेंड फाइनली अभी हम पहुंच तो चुके हैं, चलते अंदर अब कार पार्किंग देखते हैं। फ्रेंड यहाँ से हम सामने से आया, पापा ने सीधे यहीं लगा दिया, हल्की जगह थी ऐसे इसके ऊपर से ही निकाल दी है। हाँ सही मिल गई भाई, इसके पत्थर के ऊपर सीधा निकाल दी वहाँ सामने, यहाँ खड़ी हुई गाड़ी है, चलते हैं अंदर। फ्रेंड अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, क्या अरे मैं तो बता रहा था नीचे पत्थर है लगना जाए गाड़ी, पापा की तरह बन जा। अंदर चल के देखते हैं किधर से एंट्री, सीधा जब पहुंच चुके हैं सीधा एंट्री। ये रही एंट्री, एंट्री हो रही है। फ्रेंड अब पहुंच चुके हैं अंदर से, जो लगभग सारी चीजों का ही है। चेन्नई में, मद्रास में, घरों में यही फर्नीचर मिलेंगे, साउथ इंडिया में ऐसे फर्नीचर मिलेंगे। कंफर्ट है काफी, कम से कम भी 3 लाख। फ्रेंड जो सोफा देख रहे हो ये है 3 लाख रुपए का, और ये डाइनिंग टेबल ये है 2 लाख रुपए। ये 8 जन हो गए 2 लाख। देखे कितनी अच्छी लग रही है, पापा कह रहे हैं लोन में लगा लो चाय पीने के लिए, ये 1,35,000 रुपए चाय पीने के। 1,35,000। ये फ्रेंड थाईलैंड की ज्वेलरी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।